बॉलीवुड में ढेरों ऐसे एक्टर हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में अच्छी शुरुआत कर पहचान बनाई और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए गए, बावजूद इसके उनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि इसकी वजह महज उनकी फिल्मों का ना चलना ही नहीं था, बल्कि उनका बैड बिहेवियर भी था, जिसने बार बार उनके करियर में रुकावट डालने का काम किया। 80 के दशक के आखिर में एक ऐसे ही एक्टर ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी थी, जिसने अपनी एक्टिंग और डिफरेंट लुक से अपनी एक अलग पहचान तो बनाई, लेकिन ज्यादा दिनों तक उसे कायम न रख सके, और वजह बना उनका बिगड़ैल रवैया और बदनामियां। उस एक्टर का नाम है आदित्य पांचोली, जिनकी भूरी आंखों और दमदार पर्सनैलिटी ने उस दौर के यंगर्स को अपना दीवाना बना लिया था। आदित्य पांचोली न सिर्फ फिल्मों बल्कि टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है। यहाँ तक कि जब आदित्य पांचोली शाहरुख खान की फिल्म यस बॉस में नेगेटिव रोल करते नजर आए थे, तब भी खूब पसंद किए गए थे और इंडस्ट्री को आदित्य पांचोली के रूप में एक हैंडसम विलन मिल गया था। हालांकि उनकी विलन की ये इमेज फिल्मों से कहीं ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में दिखी, जिनके करियर के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हुई। आदित्य अपने करियर में ज्यादातर किसी न किसी विवाद की वजह से ही लाइमलाइट में रहे हैं, और अपने गुस्सैल नेचर की वजह से उन पर कभी पड़ोसियों से विवाद तो कभी पब्लिक प्लेस पर झगड़े के आरोप लगे। न सिर्फ झगड़े बल्कि आदित्य पर गर्लफ्रेंड से मारपीट और नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म तक के आरोप लगे। तो आज की वीडियो में हम एक्टर प्रोड्यूसर आदित्य पांचोली के ऐसे ही कुछ विवादों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारक टीवी। आदित्य पांचोली के विवादों के बारे में बात करने से पहले आइए एक नजर उनके लाइफ और एक्टिंग करियर पर डाल लेते हैं। मुंबई के एक फिल्मी फैमिली में जन्मे आदित्य पांचोली का असल नाम निर्मल पांचोली है। इनके पिता राजन पांचोली एक फेमस प्रोड्यूसर थे, तो माँ अरुणा पांचोली भी फिल्म मेकिंग से ही जुड़ी थी। आदित्य ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1985 में टेली फिल्मों के जरिए की थी, और फिल्मों में उनकी शुरुआत 1988 में आई फिरोज खान की फिल्म दयावान से हुई थी। इस फिल्म में आदित्य सुपरस्टार विनोद खन्ना के साथ सपोर्टिंग रोल में दिखे थे। इसके बाद आदित्य बतौर हीरो फिल्म कब तक चुप रहूंगी में नजर आए और खूब पसंद किए गए। हालांकि उन्हें लीड एक्टर की जगह सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही कामयाबी मिली थी। साल 1997 में रिलीज फिल्म यस बॉस के बाद आदित्य बतौर विलन भी कई फिल्मों में दिखे, साथ ही टेलीविजन पर भी काम किया। इस बीच आदित्य ढेरों कंट्रोवर्सीज में उलझे और कुछ साल के गैप के बाद साल 2010 में फिल्म स्ट्राइकर से फिर कमबैक किया और कई फिल्मों में नजर आए। आदित्य पांचोली की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने उम्र से 6 साल बड़ी एक्ट्रेस जरीना वहाब से शादी की है। आदित्य के बेटे सूरज पांचोली भी एक्टर है। उन्होंने सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आदित्य की बेटी भी जिसका नाम सना पांचोली है। आइए अब शुरुआत करते हैं वीडियो के मेन सब्जेक्ट यानी आदित्य पांचोली से जुड़े कुछ खास विवादों के बारे में। आदित्य पांचोली और एक्टर रोनित रॉय कभी बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनके बीच एक झगड़े की वजह से दूरियां गई। यह किस्सा है 11 मई 2010 का, जब आदित्य का अपने दोस्त रोनित रॉय संग एक नाइट क्लब में झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि एक मामूली बहस से शुरू हुआ यह झगड़ा उस वक्त इतना बढ़ गया कि बाद में उसे खत्म करवाने के लिए आदित्य की पत्नी जरीना वहाब को बीच में आना पड़ा था। दोस्तों, आदित्य के गुस्सैल नेचर के बारे में ढेरों ऐसे किस्से मीडिया की सुर्खियां बना करती थी, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था एयरलाइन में को पायलट से हुआ उनका झगड़ा। यह किस्सा है साल 2011 का, जब आदित्य पांचोली ने एक क्रू मेंबर और को पायलट से लड़ाई कर ली थी। खास बात की यह विवाद महज एक अनाउंसमेंट को लेकर शुरू हुआ था। दरअसल आदित्य ने उस फ्लाइट के क्रू मेंबर को इसलिए मार दिया कि उसने मौसम की खराब जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो बहस के दौरान आदित्य पांचोली ने जब एक क्रू मेंबर को पुश किया तो दूसरे क्रू मेंबर ने पांचोली को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं माने और बुरा भला कहते रहे। फ्लाइट में हुई बहस के बाद आदित्य पांचोली पर साल 2015 में जुहू के पास एक पब के बाउंसर के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगा था। दरअसल यह विवाद पब में उनके पसंद के गाने बजवाने से शुरू हुआ था। बताया जाता है उस वक्त आदित्य पांचोली नशे में धुत थे। यहाँ तक कि 5-स्टार होटल के पब में हुए इस विवाद के बाद आदित्य पांचोली को गिरफ्तार भी किया गया था। आदित्य पर आरोप था कि उन्होंने देर रात मुंबई के जुहू स्थित एक होटल के पब में वहाँ के बाउंसरों से मारपीट की थी। बताया जाता है कि आदित्य उस पब में हिंदी गाने नहीं बजने से नाराज थे, और रिपोर्ट्स की माने तो बहस बढ़ने पर उन्होंने अपने मोबाइल फोन से सिक्योरिटी गार्ड के सिर में मार दिया था, जिसके बाद पांचोली को पुलिस ने धमकी, सार्वजनिक उपद्रव, शांति भंग और हमले के आरोप में गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, आदित्य ने उसी साल फिल्म लाखों हैं यहाँ दिलवाले के सेट पर भी अपने को स्टार विजय को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद भी मीडिया में काफी सुर्खियां बनी थी। आदित्य पांचोली की लाइफ वैसे तो कई विवादों से भरी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर हुई है तो वह एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा लगाए गए आरोप और उनके अफेयर को लेकर, जो आज भी किसी न किसी बयान के कारण मीडिया की सुर्खी बन ही जाता है। दरअसल कुछ सालों पहले कंगना रनौत की बहन रंगोली ने आदित्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कर
करवाई थी, जिसमें उन्होंने आदित्य पर कई साल पहले अपनी बहन कंगना को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद आदित्य ने भी उसी थाने में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आदित्य ने दावा किया था कि कंगना के वकील उन्हें रेप केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि यह सच है कि आदित्य पांचोली का अफेयर खुद से 23 साल छोटी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत संग रहा है। खुद कंगना ने मीडिया से कहा था कि दोनों पति पत्नी की तरह ही रिलेशन में थे। दोनों अपने लिए यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे और दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ रहे थे। कंगना ने बताया था कि जो फोन वह उस दौरान इस्तेमाल कर रही थी वह भी आदित्य पांचोली का ही था। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आदित्य ने भी सड़क पे उन पर हाथ भी उठाया था और उनके सिर पर मारा था। इतना ही नहीं, कंगना ने तो यहाँ तक कहा था कि आदित्य ने उन्हें घर पर बंद कर दिया था, जिसके बाद वह फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूद कर भागी थी। दोनों के बीच रिश्ता टूटने के बाद आदित्य ने भी स्वीकार किया था कि वे और कंगना रिलेशनशिप में थे। हालांकि आदित्य पांचोली ने कंगना रनौत विवाद को झूठा रेप केस बताते हुए कहा था कि उनके पास इसके खिलाफ कई सबूत है। कंगना का कहना कि जब इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसी वक्त वो आदित्य पांचोली के साथ रिश्ते में थी। दरअसल प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने कंगना को अपनी फिल्म आई लव यू बॉस में ब्रेक देने का वादा किया था। हालांकि वह फिल्म कभी बन न सकी और उस वक्त कंगना को मुंबई में सर्वाइव करने में काफी दिक्कत भी हो रही थी। ऐसे में उनकी जिंदगी में एक्टर आदित्य पंचोली उनके मेंटर बने, साथ ही दोनों में करीबियां भी बढ़ती गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना के साथ आदित्य ने काफी दिनों तक खुलेआम डेटिंग की थी। तो वहीं कंगना को भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए आदित्य के रूप में एक सहारा मिल गया था। खास बात कि आदित्य उस दौरान 2 बच्चों के पिता थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन कंगना और आदित्य के बीच किसी बात को लेकर खूब बहस हुई, जिसमें आदित्य ने कंगना पर हाथ उठा दिया। उस वक्त कंगना के हाथों में जो भी लगा उन्होंने उसी से अपना बचाव किया और आदित्य के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। हालांकि सबूतों के अभाव के कारण पुलिस ने आदित्य को अरेस्ट नहीं किया। हालांकि बाद में साल 2017 में आदित्य पंचोली ने भी इस मामले को लेकर कंगना के खिलाफ मानहानि का दावा किया था और 2019 में इस मामले को रद्द करने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय तक की भी शरण ली थी। इस पूरे मामले को लेकर आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि किसी के साथ आप सालों तक रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद वो शख्स पर अचानक से रेप का आरोप लगा देते हैं क्योंकि आपका रिश्ता टूट चुका होता है या फिर आप किसी अन्य इंसान के साथ मूव ऑन कर चुके होते हैं, या बिल्कुल भी सही नहीं। जरीना ने कहा था कि उन्हें अपने पति की सुरक्षा की भी चिंता होती है और उन्हें किसी अन्य की तुलना में बेहतर तरीके से जानती है। उन्होंने बताया कि आदित्य ने उनसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया है, उन्हें यह भी पता है कि पास्ट में क्या हुआ और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बहरहाल आदित्य और कंगना की कंट्रोवर्सी अभी चल ही रही थी कि इसी बीच एक और खबर चर्चा में आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य पंचोली की एक्स गर्लफ्रेंड रही पूजा बेदी की 15 वर्षीय मेड ने आदित्य पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। दरअसल आदित्य पंचोली एक समय एक्ट्रेस पूजा बेदी को डेट कर रहे थे। इस दौरान उन पर 15 साल की नौकरानी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। हालांकि आदित्य ने रेप की बातों को झूठा बताते हुए यह स्वीकार किया कि वह रिलेशन दोनों की सहमति से बनाया गया था। इस मामले के बाद ही पूजा बेदी से उनके रिलेशन भी खत्म हो गए थे। आदित्य पांचोली पर साल 2013 में अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई और मारपीट करने का आरोप लगा। यह पूरा मामला पड़ोसी के घर हो रहे कंस्ट्रक्शन के चलते हुई थी। बाद में घटना के सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें आदित्य उस व्यक्ति का कॉलर पकड़कर झगड़ते दिख रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2023 में आदित्य का अपने पड़ोसी भार्गव पटेल के साथ एक झगड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने आदित्य को छोड़ दिया था। बाद में आदित्य पांचोली ने अपने उसी पड़ोसी को कार पार्किंग को लेकर धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने फिर से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। कुछ सालों पहले आदित्य के बेटे सूरज पांचोली पर एक्ट्रेस जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसे लेकर अक्सर मीडिया उन तक पहुंचने की कोशिश करती थी। बताया जाता कि आदित्य इन बातों से इतने तंग आ गए थे, इस केस के दौरान पत्रकारों से भी उलझ जाते थे, यहाँ तक कि उन पर कैमरा छीन कर तोड़ने और मारपीट करने के जैसे भी आरोप लगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उसमें आदित्य पांचोली से एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो आदित्य ने गुस्सा होकर एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि उस महिला पत्रकार को चोटें भी लग गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर जिया की मां ने उनके खिलाफ धमकाने का और केस वापस लेने के लिए कहने का आरोप लगाया था। अभी लोगों ने इन बातों को भूलना शुरू ही किया था कि साल 2022 में आदित्य पांचोली एक बार फिर विवादों में फंस गए। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडिस ने जुहू पुलिस स्टेशन में आदित्य पांचोली के खिलाफ गाली गलौज धमकी और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। सैम ने आरोप लगाया कि आदित्य उन पर अपने बेटे सूरज पांचोली को फिल्म हवा सिंह में बनाए रखने के लिए दबाव बना रहे हैं। फर्नांडिस ने बताया किसी मुद्दे पर आदित्य पांचोली ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त आदित्य पांचोली शराब के नशे में थे। सैम फर्नांडिस का आरोप है कि आदित्य पांचोली के बेटे सूरज के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी फिल्म को कोई फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। जब सैम ने आदित्य पांचोली को यह बात बताई तो आदित्य ने कहा कि वो सूरज के साथ ही काम करें और वो इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैम ने साल 2019 में सूरज के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट की और 12 दिन की शूटिंग भी की, लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई। इन्वेस्टर सूरज के साथ फिल्म को बनाने से पीछे हट रहे थे। इसके बाद 27 जनवरी को आदित्य पांचोली ने सैम को जुहू के
सन एंड सन होटल में मिलने के लिए बुलाया और इसी दौरान आदित्य पंचोली सैम को धमकी देते हुए कहने लगे कि आपको फिल्म मेरे बेटे के साथ ही बनानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सैम ने मीडिया को बताया कि इसके बाद आदित्य ने मुझे गाली दी और मुझे पंच मारा। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने बैग से मुझे लात मारी। इसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद आदित्य पंचोली और फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडिस दोनों के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में क्रॉस शिकायत दर्ज हुई थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आदित्य पंचोली एक बेहतरीन एक्टर है, चाहे पॉजिटिव रोल हो या नेगेटिव। हर बार उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। इस बात में कोई दोराय नहीं कि अगर उनकी लाइफ में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज नहीं होती तो बॉलीवुड में उनका मुकाम और ऊपर होता। तो दर्शकों, ये वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।